एक उम्मीद तो है, भगवान करे आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की मदद हमारी बच्ची की ज़िंदगी को फिर से नई ज़िंदगी दे। आज हमारी बच्ची का ऐसा अवस्था आ गया कि वो उनके ब्रेन में अमोनिया डिपॉजिट हो गया, जिसके चलते वो एबनॉर्मल टाइप की हो गई है। किसी भी बाप के लिए ये बहुत दर्द का वक्त होता है। जावेद जी आए, वे भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी मिलकर कर रहे हैं। सभी की बच्ची है हमारी ये, और हमें सबको मिलकर इसमें हेल्प करनी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली का ये हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल, और हमारे भाई हैं बंगाल से हमारे भाई हैं। इनकी बेटी का लीवर ख़राब है, उसको बदलना है, ट्रांसप्लांट होना है। और हमारे भाई नौशाद हैं, इन्होंने ही मुझे बताया था कि ये हमारे दोस्त हैं, इनकी बेटी के साथ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अब हम आए हैं कुछ मदद करने के लिए, इंशाल्लाह मदद भी करेंगे। और सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। संजय चौरसिया जी, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। संजय भाई जी, संजय भाई, क्या परेशानी है आपकी बच्ची को और कितने दिन से परेशानी है? ये आज 3 महीना से हम सफ़र कर रहे हैं बच्ची को लेकर। मैं हैदराबाद एशियन इंस्टीट्यूट में भी गया था, वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, आपकी बच्ची का लीवर 80% डैमेज हो गया। उसके बाद मैं हैदराबाद अपोलो में गया, हैदराबाद अपोलो में भी वही बात बताएं कि 80% लीवर डैमेज हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा। तो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं ट्रांसप्लांट कराना नहीं चाहता था। मैं यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में आकर फिर मैं ये इनको बताया कि मैं ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है। तो इन्होंने मुझे बताया कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो इसका कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो आज यही सोच के मैं फिर भी जैसे कि खर्च ना मैं उठा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चला गया दुर्गापुर, और जाके वहाँ से फिर आयुर्वेदिक दवा कराने लगे ताकि मैंने मुझे ट्रांसप्लांट का खर्च ना बान करना पड़े। अच्छा, आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप अपनी बच्ची को सही से दिखा सके? हाँ हाँ, हमारे पास पैसा उतना नहीं था, इसीलिए हम अवॉइड कर रहे थे कि ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाए। फिर यहाँ डॉक्टर के पास आए तो बोले कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आपको ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। तो आज हमारी बच्ची का ऐसा अवस्था आ गया कि वो उनके ब्रेन में अमोनिया डिपॉजिट हो गया, जिसके चलते वो एबनॉर्मल टाइप की हो गई है, और कोई होश नहीं है बच्चे को। नहीं, कोई होश नहीं है। और गंगाराम हॉस्पिटल में 8 तारीख को लगभग 2 से 3 बजे के टाइम में हमने एडमिट कराया है, अभी वेंटिलेशन में है पेशेंट, और उनका ट्रांसप्लांट डॉक्टर बोले इमीडिएट करना होगा, इसीलिए अब ट्रांसप्लांट के तरफ इच्छा हो रहा है, किंतु इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने। जावेद भाई, आप भी मदद कर रहे हैं भाई की? जी बिल्कुल, हम लोग साथ में ही, हम लोग सारे लोग पढ़े हैं, नौशाद साहब, संजय चौरसिया, हम सभी लोग अपने स्कूल फ्रेंड्स मिलके जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं, सब जहाँ जहाँ से भी उम्मीद है। इस वक्त में एक ख़ास बात बहुत ज़रूरी है कि जैसा आप जानते हैं कि ये संजय चौरसिया हैं, मैं जावेद हूँ, वो नौशाद हैं, ये एक ऐसी अपील है जिसमें बहुत सारी जज्बात छुपे हुए हैं, बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं, कि ना सिर्फ मेरा दोस्त है, हम लोगों ने इनके साथ बहुत सारा वक्त बिताया है, साथ में हंसे हैं, बोले हैं, पढ़े हैं। कोई भी किसी भी बाप के लिए ये बहुत दर्द का वक्त होता है। अपने एक बच्चे को खेलते हुए में चोट लग जाती है तो बाप से बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ पे तो एक बच्ची को आईसीयू में देखना, वो भी इस कंडीशन में देखना, उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच में झूलते हुए देखना। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल तरीके से भी एक दूसरे से अपील कर रहे हैं, हर एक से कर रहे हैं, सबने मिलकर कुछ कुछ करके तकरीबन 70-80 हज़ार की तरफ की हेल्प हम लोग कर चुके हैं। अभी विनोद जी आए थे, वो भी दुर्गापुर से बिलोंग करते हैं, या महिंद्रा में इंजीनियर हैं, उनको जैसे ही पता लगा वो भी आए, 10,000 की हेल्प कर गए। जावेद जी आए, वे भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी मिलकर कर रहे हैं। सभी की बच्ची है हमारी ये,
और हमें सबको मिल के इसमें हेल्प करनी चाहिए। संजीव भाई, कभी लगता था आपको, कभी लगा ऐसा एहसास हुआ कि नौशाद के साथ में मुझे नहीं रहना है, मुझे अलग जगह? नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम लोग तो छोटे का स्कूल फ्रेंड है और हम लोग का और इतना क्लोज है हम लोग के साथ, कभी हम लोग के बिखराव के बारे में तो कभी सोचे ही नहीं। बल्कि ये एक मैसेज और ये एक वीडियो उनके लिए भी बहुत शानदार है और उनके लिए भी एक मैसेज है कि जो जहर आपने घोला है और उस जहरीले हवा के बीच में ये जो हम कर रहे हैं और हम सब लोग जो मिल के कोशिश कर रहे हैं, ये एक मैसेज है। डोनेट कौन करेगा, लीवर कौन दे रहा है? कल सुबह हमारी मिसेस नीतू चौरसिया का ब्लड टेस्टिंग करके उनका मैचिंग अगर हो जाएगा तो वो लीवर डोनेट कर रही है। एक माँ अपनी बच्ची के लिए डोनेट कर रही है जी लीवर। और ये लीवर एक ऐसा चीज़ है जो डॉक्टर बोले हैं कि डोनेट करने का बाद में आप का लीवर जो है फिर से धीरे धीरे समय लगेगा जी, बढ़ जाएगा और बच्ची फिर स्वस्थ हो जाएगी। एक उम्मीद है कि आपकी बेटी फिर से स्कूल जाए, फिर से? हाँ, एक उम्मीद तो है, भगवान करे। आप लोगों का आशीर्वाद जी, आप लोगों की मदद हमारी बच्ची की ज़िंदगी को फिर से नई ज़िंदगी दे इस जगह। संजय जी, पूरा देश आपके साथ में है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म से हो। इस वक्त जो हमारी वीडियो देख रहा है वो तमाम लोग आपकी मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि संजय भाई की मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए भाई, जितना आप कर सकते हैं। आप 100 रुपये, 200, 500, 1000, जितना आपकी हिम्मत है आप संजय चौरसिया जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। मैं इनका अकाउंट नंबर डाल दूंगा। आपकी छोटी सी हेल्प से, चाहे वो 1 रुपये की हेल्प क्यों ना हो, संजय चौरसिया की बेटी की ज़िंदगी बच सकती है, दोबारा से खेल सकती है, दोबारा से स्कूल जा सकती है और फिर दोबारा से अपने पिता को पापा पापा कह के बुला सकती है। इस वक्त संजय के दिल में जो चल रहा है मैं बयान नहीं कर सकता। अभी मदद बिल्कुल इनको चाहिए, 8 से 10 लाख या 15 लाख इनको चाहिए। आप जितने भी मदद कर सकते हैं, चाहे आप 10 रुपये से मदद कीजिए, 100 रुपये से मदद कीजिए, 1000 से कीजिए, 2000 से कीजिए। मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, 4.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। अगर सभी के सभी 10-10 रुपये भी डालने लगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास इतना अमाउंट आ जाएगा कि आप अपनी बच्ची का इलाज कर सकें। सर, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, मैं छोटी सी एक कोशिश कर रहा हूँ सर। ये 10,000 रुपये हैं सर, और ये 10,000 आप रखिए मेरी तरफ से और हमारी बच्ची के। धन्यवाद। नहीं, बच्ची को मदद करने के लिए, नहीं ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे धन्यवाद नहीं सर, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये इंसानियत का फ़र्ज़ है। और हमें हमारे लिए तो आज ये बहुत बड़ा मैंने हेल्प हुआ, जो कि बूंदे बूंदे से तालाब भरेंगे जी सर, और एक बच्चे का ट्रीटमेंट हो सके। तो आप तमाम लोगों से अपील है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम इस एक बच्ची की जान बच सके, एक बच्ची अपने माँ बाप के पास आ सके। और ये जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, इससे हटके हमें काम करना है, हमें इंसानियत के काम करना है, हमें इंसानियत के लिए काम करना है। इस बच्ची को बचाइए, मेरी अपील है आपसे, इस बच्ची को जितना ज़्यादा आप डोनेशन दे सकते हैं आप डोनेशन दीजिए। मैं अपने चौरसिया भाई का अकाउंट नंबर अपने वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। आप इनसे बात कीजिए, हेल्प कीजिए, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, राम के वास्ते, जिसको भी आप मानते हैं, इस बच्ची को बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।